इट्स क्लास एनसीईआरटी मैथ्स का टेस्ट नंबर 12 और ये टेस्ट आपका चैप्टर 6 और चैप्टर 11 दोनों के ऊपर बेस्ड होगा और इसमें जो भी इन दोनों चैप्टर्स में से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं सारे के सारे कवर करूंगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वेयर, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वेयर इज 12 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। देखो आप एक स्क्वेयर बना लो, ठीक है, स्क्वेयर की शेप में आपको रफ डायग्राम बनाना होता है, चाहे आप पेंसिल से बना लो या पेन से बना लो, इसकी साइड कितनी है 12 और आपको पता है स्क्वेयर की सारी साइड कितनी होती है 12 होती है। आपको इसका एरिया निकालना है और क्या निकालना है पेरीमीटर। आप मेरे को बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। देखो चाहे आप एरिया स्क्वेयर का निकालो चाहे आप रेक्टेंगल का निकालो, कई बच्चे क्या करते हैं 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो एरिया नहीं होता, एरिया होता है इन दोनों साइड्स की मल्टीप्लीकेशन, चाहे ये दोनों साइड इक्वल हो चाहे ना हो, ठीक है। रेक्टेंगल में हम क्या निकालते हैं एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, वहाँ अलग अलग होती है लेंथ ब्रेथ, यहाँ पे क्या है सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता सेम से, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो 12 का स्क्वेयर कितना होता है 144। अच्छा ये सेंटीमीटर है तो एरिया किस में आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वेयर में, आंसर आ गया आपका। फिर क्या निकालना है हमारे को पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है सम ऑफ ऑल फोर साइड्स, सम ऑफ ऑल फोर साइड्स। अब देखो चारों साइड्स को आपको ऐड करना है, यानी कि 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 तो कितना आएगा 48 आएगा ना। तो आप मेरे को बताओ चारों साइड को आप ऐड कर रहे हो या फिर आप कहो कि सर 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक ही है ना, आंसर तो वही 48 आना है। तो ये पेरीमीटर में करते हैं ना कि एरिया में, एरिया में क्या करते हैं 12 का स्क्वेयर करते हैं, यानी कि 12 × 12 करते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, द डायगनल ऑफ ए रोम्बस आर 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। डायगनल्स कर लो यहाँ पे, रोम्बस के आपको पता है दो डायगनल होते हैं और इसका क्या निकालना है आपको एरिया। मैंने आपको बताया हुआ है एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस जो ये दोनों डायगनल होते हैं ना D1 × D2 इनकी मल्टीप्लाई करके और 2 से क्या कर दिया करो डिवाइड, यानी कि 12 × 8 और 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। अब किसी एक नंबर को 2 से काटना है, ठीक है, दोनों को नहीं काटना, जैसे ये कट गया 4 पे, 12 × 4 = कितना होता है 48 और एरिया अगर ये सेंटीमीटर में है तो एरिया हमेशा किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वेयर में। एरिया तो ध्यान रख लो हमेशा ही आपको सेंटीमीटर स्क्वेयर या मीटर स्क्वेयर यानी कि ऊपर स्क्वेयर जरूर लगा मिलेगा और वॉल्यूम में क्या मिलता है क्यूब यानी कि पावर 3 होती है, ठीक है। इसमें देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वेयर ऑफ दिस, यानी जब हम इस नंबर का स्क्वेयर करेंगे ना तो उसका सिर्फ यूनिट डिजिट कितना आएगा। मैंने आपको क्या बताया था, बस इसके यूनिट प्लेस का स्क्वेयर कर लिया करो, कितना होता है 49 और 49 का यूनिट डिजिट कितना है 9, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका 9, ठीक है। एक नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, द स्क्वेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इवन, यानी कि आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कहता है ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम स्क्वेयर करें तो जो आंसर आएगा वो एक इवन नंबर आएगा। मैंने आपको रूल बता रखा है कि इवन नंबर का स्क्वेयर करोगे तो वो इवन आएगा, ऑड नंबर का स्क्वेयर करोगे तो वो ऑड आएगा, इन चारों में से इवन कौन सा है, सिर्फ यही नंबर है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा बस। इसमें कहता है आपको स्क्वेयर रूट निकालना है 1225 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड दोनों से निकालना है, मैं दोनों से निकाल के आपको दिखा देता हूँ। देखो दोनों मेथड मैंने आपको बहुत डिटेल में सिखाए हुए हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालेंगे, ये 5 से डिवाइड हो रहा है 5 से कर दो, 5 × 2 = 10 रिमाइंडर 2, 5 × 4 = और फिर कितने बच गए 2 और 5 × 5 = फिर 5 से कर दो इसको, 5 × 4 = 5 × 9 = फिर 7 से करोगे तो यानी कि 1225 को आप क्या लिखोगे। देखो प्रॉपर मेथड सिखा रहा हूँ आपको कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, ये लिख के फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हो आप दोनों तरफ स्क्वेयर रूट का सिंबल लगा दो, ठीक है। स्क्वेयर रूट का क्या लगा दिया, सिंबल लगा दिया, इससे नेक्स्ट लाइन में इक्वल टू का साइन डालो, इनको अंडरलाइन करो, पेयर बना लो, एक बाहर आ जाएगा 5, एक बाहर आ जाएगा 7, 5 × 7 = कितना होता है 35 और 35 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। स्क्वेयर रूट आ गया, अब हम निकालेंगे किससे, बाय डिवीजन मेथड, इसको डिवीजन मेथड कह लो या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड कह लो, एक ही बात है। देखो डिवीजन मेथड क्या होता है, आप 1225 लिखो, लिख दिया, आपको क्या करना होता है पेयर बनाने हैं लेकिन यहाँ से स्टार्ट करने हैं, पीछे से पेयर बना लो, ठीक है। कितने पे जाएगा ये देखो, 3 × 3 = होता है ना, क्योंकि 4 × 4 = इससे बड़ा हो जाएगा, 3 × 3 = और यही 3 यहाँ पे लिखा करो 9, 12 में से 9 गए बताओ 3, पेयर उतारते हैं कितना उतारेंगे 25। अब इसके बाद क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं, यहाँ पे लिखा करो, ठीक है, ताकि आप भूलो मत, एग्जाम में नहीं लिखना लेकिन आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की तो वहाँ बार बार लिखा करो। 3 और 3 कितने होते हैं 6। अब आप मेरे को बताओ एक नंबर आपको यहाँ लिखना है, वही सेम नंबर यहाँ लिखना है और मल्टीप्लीकेशन कितनी आनी चाहिए उनकी,
325। आपको पता है लास्ट में 5 कब आएगा, जब यहाँ पे 5 लिखोगे, यहाँ पे भी 5 और ये 5 यहाँ पे भी लिखो, तो इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो 325 आएगी। तो लास्ट में क्या लिखोगे, सो स्क्वेयर रूट ऑफ 1225 इक्वल टू 35 आंसर। 35 कौन सा, मैंने यहाँ से देखा 35, ठीक है। अब देखो सिक्स क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वेयर, इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वेयर है। देखो मैंने आपको ये बता रखा है कि जिसके लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आए, 8 आए, जिसके लास्ट में ये आ जाए, है ना, इट इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वेयर। नहीं होता ना परफेक्ट स्क्वेयर कभी भी। तो आप खुद देख लो, आपसे पूछा गया परफेक्ट स्क्वेयर कौन सा है, ये परफेक्ट स्क्वेयर नहीं हो सकता। लास्ट में 7 आ गया, इसके 3 आ गया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ पे ये हो सकता है ना। तो तीन ऑप्शन अगर आपके गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा अपने आप ही। सेवेंथ क्वेश्चन में कहता है एक्सप्रेस 121, एक्सप्रेस का मतलब होता है राइट, यानी कि 121 को राइट डाउन करो एज द सम ऑफ 11 ओड नंबर्स। देखो आप मेरे को ये बताओ 11 का स्क्वेयर कितना होता है, 121 होता है ना, और मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कि 121 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले 11 ओड नंबर्स का सम अगर हम करें ना तो वो 121 ही आता है, ठीक है। पहला ओड नंबर कितना होता है, 1, फिर इससे अगला 3, फिर आपका 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। अच्छा 11 पे मत छोड़ देना, काउंटिंग में 11 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, फिर 7 हो गए, है ना, फिर 8 हो गए, फिर 9 हो गए, फिर 10 हो गए, और फिर 11 हो गए, तो लास्ट नंबर कितना आएगा, 21। आप इन सारे नंबर को ऐड करके देख लो आंसर उसका कितना आएगा, 121 ही आएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसमें कहता है हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वेयर्स ऑफ 25 एंड 26, कहता है 25 का स्क्वेयर करें और 26 का स्क्वेयर करें, उनके बीच में नंबर कितने होंगे। मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बता रखा, क्या कर दिया करो, इन दोनों को ऐड करके और इसमें से एक क्या कर दिया करो, माइनस कर दिया करो, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा आपका, 50, काम खत्म। इसमें कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जिससे हम 9408 को डिवाइड कर दें, कि डिवाइड करने के बाद जो क्वोशियंट आएगा आपका वो क्या होएगा, एक परफेक्ट स्क्वेयर होएगा। तो जब भी डिवीजन का क्वेश्चन आए या मल्टीप्लिकेशन का है तो हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं हमेशा। देखो 2 से डिवाइड करो 4704, फिर 2 से डिवाइड करो, ये आपका आएगा, फिर 2 से करो, जब तक 2 से होता है करते जाओ, 27 जा 26 जा, फिर 2 से करो इसको, 25 जा 28 जा और 28 जा, फिर 2 से करेंगे इसको तो आपका ये आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 21 जा 247 जा, ये 7 पे जा रहा है सीधा, 72 जा 71 जा, फिर 7 पे जाएगा 73 जा, है ना। देखो किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए आप लिखो पहले, तो 9408 क्या होएगा, देखो 2 कितनी बार है इसमें, 6 बार है ना, ये लिख लो, और फिर आपके जो है 7 दो बार है और 3 अकेला है। अब जो नंबर अकेला बच गया ना, या तो एक 3 और आना चाहिए, या इस 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। आपसे पूछा क्या है, डिवाइड, तो फिर बताओ रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा आपका, सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू कितना आएगा, 3। चाहे मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन हो चाहे डिवीजन का, आंसर आपका 3 ही आएगा। फिर पूछेगा आल्सो फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ द क्वोशेंट, कहने का मतलब जब आप 9408 को 3 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो कितना आएगा, देखो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 3 6 जा, है ना, 3 1 3 6 आएगा। कहता है इसका स्क्वेयर रूट भी निकालो, लेकिन आपको ये कुछ भी करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या लिखना है, सो स्क्वेयर रूट ऑफ द न्यू नंबर, स्क्वेयर रूट ऑफ द क्वोशेंट लिख दो या न्यू नंबर लिख दो, एक ही बात है। तो जो डिवाइड करने के बाद ये नया नंबर आएगा ना, ये वाला, इसका स्क्वेयर रूट कितना होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये इन टू में से एक बाहर आएगा, इस टू में से एक बाहर आएगा, पेयर पेयर में से बाहर आता है ना, एक इस टू में से बाहर आएगा और एक इस 7 में से बाहर आएगा। अच्छा 3 से तो आप क्या कर देंगे, डिवाइड ही कर देंगे, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आगे बताओ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 × 7 कितना होता है, 56। तो 56 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसमें कहता है एक स्कूल के स्टूडेंट्स ने डोनेशन दिया, दान दिया, और कुल 2401 रुपये इकट्ठे हो गए, और क्लास में जितने बच्चे हैं ना, एक स्टूडेंट ने उतने ही रुपए क्या है, डोनेट किए, तो बताओ क्लास में कितने बच्चे हैं। तो मैंने कितने क्वेश्चन करवा रखे ऐसे ऐसे, सिर्फ आप क्या किया करो, स्क्वेयर रूट निकाला करो, ठीक है। लिख दो वी नीड टू फाइंड द
स्क्वेयर रूट ऑफ, स्क्वेयर रूट ऑफ 2401, यानी हमें इसका स्क्वेयर रूट निकालना है, इसका ये मतलब है। तो किसी भी मेथड से निकाल दो आप, ये किससे डिवाइड होगा आपका, 7 से, 7 3 जा 21, 7 4 जा 7 3 जा, फिर 7 से करो, 7 4 जा 7 9 जा, फिर 7 से करो, ये सभी क्या होते हैं, 7 से डिवाइड होता है हर बार। तो आप इसको क्या लिख दो, अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट का सिंबल लगा दो। अब क्या करो, एक इसमें से 7 बाहर आएगा, एक इसमें से कितना आ गया, 49। सो आपसे पूछा है क्लास में कितने बच्चे हैं, तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, सो देर आर 49 स्टूडेंट्स इन द क्लास, 49 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये इस क्वेश्चन का आंसर है आपका। अब देखो 11th क्वेश्चन, आपको स्क्वेयर रूट निकालना है 729 का और 1296 का। मैं आपको लॉन्ग डिवीजन से सिखा देता हूँ, आपका मन करे उसी से निकाल लेना, ठीक है। 729 का निकालो, पेयर बनाओ, ये किस पे जाएगा, 2 पे, क्योंकि 3 3 जा तो क्या हो जाएगा, 9 होएगा ना, तो 2 पे जाएगा ये, 2 2 जा 4। अब इसमें से क्या करो, माइनस, पेयर उतारो, इन दोनों को क्या करते हैं, हमेशा प्लस करते हैं, ठीक है। अब बताओ मेरे को यहाँ पे क्या लिखूँ कि वही नंबर यहाँ पे लिखने पे मल्टीप्लीकेशन 329 आए, देखो लास्ट में 9 आ रहा है, तो या तो आपको यहाँ पे 33 लिखना पड़ेगा या 77, 33 से बात बनेगी नहीं, 77 लिख दो, और यही 7 क्या है, यहाँ पे लिख देना। सो लास्ट में आप क्या लिखोगे, 729 का जो स्क्वेयर रूट है वो कितना आएगा आपका, 27, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ऐसे ही आप निकाल लो 1296 का, 1296 का भी बताओ कैसे करोगे, पेयर बनाओगे पहले, 12 किस पे जाएगा, 3 पे, क्योंकि 4 4 जा तो 16 होता है ना, बड़ा हो जाएगा इससे, 3 पे जाएगा ये, 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना बच गया, 3। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद इन दोनों को ऐड करते हैं, 3 और 3 कितने होते हैं, 6। यहाँ पे क्या लिखूँ, वही यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लीकेशन 396 आ जाए। देखो लास्ट में 6 कब आता है, या तो यहाँ पे 4 4 लिखूँ और या 6 6 लिखूँ, 4 4 लिखने से देखो 396 नहीं आएगा, लेकिन 6 6 लिखने से आ जाएगा, तो आप 6 6 लिख दो और ये यहाँ पे भी लिख दो। सो लास्ट में क्या लिखोगे, स्क्वेयर रूट ऑफ 1296 इज इक्वल टू 36, ये इस क्वेश्चन का आंसर है आपका, आसान सा क्वेश्चन था। इसमें कहता है, अब आपका आ गया मेंसुरेशन चैप्टर, ठीक है, 11th चैप्टर, वॉल्यूम और टीएसए का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब हुज ईच साइड इज 8 सेंटीमीटर। क्यूब की हर एक साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो आप फॉर्मूले लिख लो, मैं फॉर्मूले लिखवा देता हूँ आपको, फॉर्मूले, क्यूब की जो वॉल्यूम होती है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो क्या होती है बताओ, जो अपने को साइड दी होती है ना, उसको 3 बार क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, साइड इंटू साइड इंटू साइड, और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बताओ, टोटल सरफेस एरिया वो होता है 6 इंटू में जो भी साइड है ना उसका क्या कर दो, स्क्वेयर कर दो, क्या कर दो उसका, स्क्वेयर कर दो। अब आपको निकालनी है एक वॉल्यूम और एक क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होता है बताओ, जो साइड दे रखी है आपको साइड, उसको 3 बार क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, साइड कितनी है, 8 8 इंटू 8 इंटू 8, ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, 8 8 जा कितना होता है, 64, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 512 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम हमेशा किस में आती है, क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया, फिर क्या निकालना है अपने को, टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो 6 इंटू जो भी साइड है ना इसका क्या कर दो, स्क्वेयर, बस इतना सा याद रखना है आपको, 8 8 का स्क्वेयर कितना होता है, 64, 64 को 6 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24, 6 6 जा 38 और 36 और 38 सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वेयर में, और वॉल्यूम हमेशा किस में आएगी, क्यूब में। तो ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लेना, ताकि कभी भी इस क्वेश्चन को देखो तो तुरंत आप आंसर बता पाओ। इसमें कहता है वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया बताना है क्यूबोइड का, क्यूबोइड के फॉर्मूले लिखवा देता हूँ मैं आपको। पिछला तो क्या था, क्यूब था ना, जिसकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल, क्यूबोइड में तीनों इक्वल नहीं होती। तो इसकी वॉल्यूम क्या होती है, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि LBH, टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझो, 2 इंटू, एक बार देखो ये सर्कल बना लो, यहाँ L लिख दो, B लिख दो, H लिख दो, एक बार इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, LB, फिर इनकी करो BH, फिर इनकी करो HL, ठीक है, और तीनों को क्या कर दो, प्लस, और पूरे को 2 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, ये फॉर्मूले इसके दो, ठीक है। अब आप क्या निकालोगे, पहले बताओ वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ कितनी है बताओ 60, ब्रेथ कितनी है 40,
और हाइट कितनी है 50, मल्टीप्लाई कर दो। देखो बच्चे मल्टीप्लिकेशन में भी गलती करते हैं, आप ये करो 1 2 3, 3 जीरो तो लगा ही दो, है ना। अब सिर्फ इनकी मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा और इंटू 5, 6 4 जा कितना होता है 24, 24 को 5 से करोगे तो कितना आएगा 120। तो इतने, ये क्या है सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम हमेशा किस में आती है, क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या निकालें सेकेंड क्वेश्चन, इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू, आप बार बार फॉर्मूले लिखा करो, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। कहने का मतलब ये है, आप इसमें लिख लो एल की वैल्यू कितनी है बताओ मेरे को 60, और इसकी वैल्यू कितनी है 40, और इसकी वैल्यू कितनी है 50। आप दो दो की मल्टीप्लाई कर लो, आप क्या करो 60 इंटू 40, 60 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50, इंटू की जगह ब्रैकेट लगा दिया करो, ठीक है, और फिर 50 इंटू 60। अब आप में से कितने बच्चे हैं जिनको ये मल्टीप्लीकेशन भी नहीं करनी आती, आप देखो इनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 6 4 जा कितना होता है 24, 1 2, 2 जीरो लगा दो, 4 5 जा कितना होता है 20, 1 2, 2 जीरो लगा दो, 5 6 जा कितना होता है 30, 1 2, 2 जीरो लगा दो। बस इनको क्या करना है, ऐड करना है 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7400, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 148,00 सेंटीमीटर स्क्वेयर, क्योंकि सरफेस एरिया या एरिया हमेशा किस में आता है आपका, स्क्वेयर में आता है, ठीक है। अब आप देखो इसमें कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज टोटल सरफेस एरिया इज दिस। आप मेरे को एक बात बताओ, अभी मैंने पीछे आपको फॉर्मूला बताया था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, आप बताओ, 6 इंटू साइड स्क्वेयर होता है ना, या इसको 6a² याद रख लो, ठीक है, 6a² याद रख लो, वेयर मैं साइड को क्या बोल रहा हूँ, ए है, ठीक है, ए सेंटीमीटर की साइड है, तो आपका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a². अब आप मेरे को बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, टोटल सरफेस एरिया गिवन है 600, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया मेरी तरफ से कितना होता है बताओ, 6a² होता है ये। अब बच्चों को ना ये लिखना नहीं आता, जैसे मैं लिख रहा हूँ इसको ध्यान से देख लो कैसे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ए स्क्वेयर की वैल्यू निकाला करो, ये 6 क्या है नीचे चला जाएगा, 600 को 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 100, ए स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100 आ गई। अच्छा 100 को हम 10 का स्क्वेयर लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो ए कितना आ गया अपना 10, सो इसकी साइड आ गई अपनी, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपसे कह रखा है कि एक सिलेंडर है, एक क्लोज्ड सिलेंडर है, क्लोज्ड का मतलब उसके ऊपर ऊपर का ढक्कन भी बनाया गया है, ठीक है, और नीचे का बेस भी है, ऐसे जैसे अपने घर में आटा डालने वाली टंकी होती है, पानी गर्म करने वाली टंकी होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सिलेंडर होता है ये है। इसकी क्या है रेडियस 7 है, रेडियस का मतलब ये कितनी है 7 है, और हाइट कितनी है इसकी 3 मीटर है, हाइट कितनी है 3 मीटर है, और कहता है एक मेटल की सीट से बनाई गई है। अभी मेटल तो यूज होगी, चाहे लोहे की बनाए चाहे सिल्वर की बनाए कैसी भी बनाए, ठीक है, आपको बताना है कितनी मेटल की, हाउ मच, कितने मेटल की इसको बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो देखो जब भी अपने को कोई टंकी बनानी है उसके लिए मेटल चाहिए, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका टोटल सरफेस एरिया याद रख लो, ठीक है। ये दो फॉर्मूले लिखवा देता हूँ मैं, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, मैं किसके फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ आपको, सिलेंडर के, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πR(r+h)। फॉर्मूले आप अपनी नोटबुक में लिख के रखा करो और रोज पढ़ो इसको, दो दो चार चार मिनट, आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल का मतलब है क्लोज्ड, ऊपर वाला ढक्कन भी बनाना पड़ेगा और नीचे वाला बेस भी बनाना पड़ेगा, इसलिए हम इसका क्या निकालेंगे, TSA, टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 2πR(r+h), ये होता है, आप वैल्यू पुट करना है इसके अंदर, देखो 2π, पाई कितना होता है 22/7, इंटू आर, आर कितना है बताओ 7, इंटू आर प्लस एच, एच कितना है 3। अब इसको देखो सोल्व करना सिखाता हूँ आपको आसान तरीके से, मैं कैसे सोल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को, मैं आपको ये कहता हूँ ये 7 से 7 काट दो, है ना, 22 इंटू 2 कितना होता है 44, और ये 7 प्लस 3 कितना होता है 10, 44 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 440, और ये मीटर है तो अपना आंसर किस में आएगा, मीटर स्क्वेयर में। जब भी एरिया वर्ड जुड़ा ना, एरिया आंसर हमेशा स्क्वेयर की फॉर्म में ही आता है, ठीक है। अब देखो 16th क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड,
आपको हाइट निकालनी है जिसकी वॉल्यूम दे रखी है और बेस एरिया भी दे रखा है। तो क्यूबॉइड का एक फॉर्मूला आपका क्या होता है वॉल्यूम का, बताओ। मैंने बताया हुआ आपको, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब आप मेरे को बताओ यहाँ से वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है 275, एरिया ऑफ बेस कितना है 25 इंटू हाइट। हाइट तो अपने को दे ही नहीं रखी। अब ये 25 देखो हाइट के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है ना, इधर आएगा ना तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको 25 से डिवाइड कर दो, इधर क्या बच गया बताओ, आपका हाइट बच गया। 25 से आप रफ में डिवाइड करके देख लो, 11 पे कटेगा ये। तो हाइट कितनी आ गई बताओ इस क्वेश्चन में, हाइट आपकी आ गई 11। और सेंटीमीटर, कई बच्चे इसको सेंटीमीटर स्क्वेयर लिखते हैं, आप ये बताओ लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये कभी चीज़ आपने देखी है कि ये इतने सेंटीमीटर स्क्वेयर है? आप कहते हो नहीं, हमने ये पढ़ी है, या तो ये इतने सेंटीमीटर है या फिर इतने मीटर है, यानी कि सिंगल यूनिट के अंदर आंसर आता है। स्क्वेयर में कौन आता है, एरिया, ये एरिया है इसलिए स्क्वेयर लगा रखा है, ये वॉल्यूम है इसलिए क्यूब लगा रखी है, लेकिन हमसे तो हाइट पूछिए ना, तो हम थोड़े क्यूब लगाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एरिया ऑफ स्क्वेयर आपको दे रखा है 441 मीटर स्क्वेयर, साइड निकालनी है। मैंने आपको पूरा चैप्टर जब पढ़ाया था तो बताया था कि जब भी एरिया दे रखा हो और साइड निकालनी हो तो क्या होगा बताओ, साइड, साइड कितनी होगी, जो ये एरिया है ना इसका क्या निकाल दिया करो आप, स्क्वेयर रूट। ठीक है, और अब मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगा, आपको निकालना है पेपर में। ठीक है, चाहे आप लॉन्ग डिवीजन से निकालना चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से, इसका स्क्वेयर रूट कितना होता है आपका 21, और ये मीटर स्क्वेयर में है तो ये साइड किस में आएगी आपकी, मीटर में। लेकिन आपको सीधा नहीं लिखना, आपको स्क्वेयर रूट निकालना है। ठीक है, पूरा 18th क्वेश्चन में, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर 7 मीटर, यानी कि रेडियस कितनी है 7 मीटर और हाइट कितनी है 10 मीटर। आपको निकालना क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया का भी मैंने फॉर्मूला बताया था, 2 पाई आर h होता है। ठीक है, 2 इंटू पाई, पाई होता है 22/7, आर, आर कितना बताओ 7, h, h कितना 10। अब इसको सोल्व कर लो, देखो 7 से 7 कट गया, 2 इंटू 22 कितना होता है 44 इंटू 10, 44 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 440 एरिया है, तो आपका ये मीटर है, तो आंसर किस में आएगा, मीटर स्क्वेयर में। खत्म क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन देख लो, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द स्क्वेयर रूट ऑफ दिस, तो इसका स्क्वेयर रूट निकालेंगे ना तो उसमें कितने डिजिट्स आएंगे। तो मैंने सीधा फॉर्मूला आपको क्या बताया था बताओ, इसमें आप डिजिट्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, इसको क्या कर दिया करो 2 से डिवाइड। लेकिन आप कहोगे जी 5 तो एक ऑड नंबर है, वो तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो मैं कहता हूँ 1 जोड़ दिया करो फिर 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 6 को 2 से डिवाइड करो, तो आंसर कितना आएगा आपका 3। इसका स्क्वेयर रूट जब हम निकालेंगे तो उसमें कितने डिजिट होंगे आपके, 3 डिजिट होंगे। ठीक है, ये देखो, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वेयर्स ऑफ 1000 एंड 1001। मैंने बताया हुआ है ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कि आपको आंसर लिखना है सीधा, क्या इन दोनों को ऐड करके और उसमें से क्या कर दिया करो, 1 माइनस कर दिया करो। ठीक है, बस ये 1001 है, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा 1000, और 1001 में से 1 माइनस करोगे तो 1000 ही आएगा ना, तो यानी कि इनके बीच में कितने डिजिट्स नंबर होंगे आपके 2000। या तो सीधा ये है, या एक तरीका और होता है, इनमें से छोटा कौन, ये, इसका डबल कर दिया करो। ठीक है, मतलब कि जो आपका आंसर आएगा ना तो वो कितना आएगा 2000, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो पेपर में क्वेश्चन आ जाए, हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर, हाउ मैनी डिजिट्स नहीं सॉरी क्या, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन द स्क्वेयर्स ऑफ, बिटवीन द स्क्वेयर्स ऑफ 101 एंड 102। आपका पेपर में ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये है, तो बताओ मेरे को सॉल्यूशन कैसे करोगे, डायरेक्ट आप आंसर लिखोगे सीधा, इन दोनों नंबर को ऐड करके और वन क्या कर दिया करो, माइनस, यानी कि 101 प्लस ये भी तो 101 हो गया, तो कितना हो गया 202। और मैं कहता हूँ डायरेक्ट कुछ भी नहीं लिखना, मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया या फिलअप आ गया पेपर में, तो आप क्या करोगे, ये जो छोटा नंबर है ना इन दोनों में से 101, इसको 2 से क्या कर दिया करो, मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि 101 को 2 बार जोड़ो या इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, बात तो एक ही है ना। ठीक है, तो ये थे आपके चैप्टर 6 और चैप्टर 11 से रिलेटेड 20 अच्छे क्वेश्चन, और एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इसलिए हम इस टेस्ट सीरीज के थ्रू वो सब काम करेंगे जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।